वन वे में बोलिए तो दर्द बहुत है, मन मारना ही पड़ता है सर, मारना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मन नहीं मारेंगे तो यहाँ नहीं टिक पाएंगे पटना से। या तो टेलीग्राम से देख लेते हैं, हॉल में तो जा नहीं सकते हम लोग। अपना तो मतलब ये चौमिंग देख के मुँह घुमाना पड़ता है, उसको देख के भी मुँह घुमाना पड़ता है, स्वाभाविक घुमाना ही पड़ेगा ना। लड़की हैंडल करने के लिए पैसा चाहिए सबसे बड़ी बात। रूम से बाहर आते तो एस्टिमेट करके आते, यहाँ पे इतना पैसा खर्च होगा, यहाँ पे इतना होगा। क्या बोले, सरकार पढ़े लिखे होकर भी पढ़े लिखे समझ नहीं पा रहे हैं। मैनेज क्या करते हैं सर, जॉब भी करते हैं ना, पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है, इधर का उधर करके ही करना पड़ता है। ऐसे तो इनकम ऑफ्सोर्स है नहीं है, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है ऐसा यंगस्टर के लिए। सेकेंड हैंड बुक खरीद रहे हैं, मूवी देखने के लिए पैसा है क्यों, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो लड़की कहाँ से घुमाएंगे। महंगाई है तो अब महंगाई क्या कीजिएगा, सरकार को सोचना चाहिए ना महंगाई के बारे में, हम लोग सोच के क्या करेंगे, ऐसे जनता तो महंगाई से। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइफ सिटीज देख रहे। देखिए आज हम निकले हैं बस यंगस्टर्स से पूछने के लिए कि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो वो पढ़ाई लिखाई कैसे मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना कैसे मैनेज कर रहे हैं, सब चीज़। आप भी जान रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या करते हैं आप? महंगाई के लेकर तो अभी बहुत ही मतलब यहाँ पे ये कंडीशन ख़राब हो चुका है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए कैसे मैनेज करते हैं आप? रूम लेके रहते हैं या हॉस्टल या क्या? रूम लेके यहाँ पे रहते हैं हम लोग, और महंगाई इतना बढ़ गया है कि मतलब अब ऐसा कंडीशन हो गया जहाँ एक साल या दो साल रहना मुश्किल हो गया यहाँ पे। तो कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? हम अभी दो साल से रह रहे हैं। फिर पैसा तो बचता ही नहीं होगा, मम्मी पापा को रोज फोन करना होता है, एक्स्ट्रा अभी मंगाना पड़ रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ गया है और एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसा मंगाना पड़ता है हमेशा। पहले पापा परेशान होंगे, बहुत परेशान है, क्योंकि पैसा कर क्या रहे हैं, हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, उस तरह से तो हम लोग को इनकम है नहीं घर में कि मतलब जो भाई ये बिना जोड़े हुए मतलब भेज दे, काहे कि वहाँ जोड़ के मिलता है ना हम लोग को, मिडिल फैमिली से हैं, जहाँ इतना भेज रहे हैं इतना में काम चलाओ। कभी कभी चाउमीन मन करेगा, कैसे खाएंगे? हाँ तो वो सब तो हम लोग तो एकदम निगलेक्ट करके चलते हैं। हाँ एकदम मन मार देते हैं, मन मारना ही पड़ता है सर, मारना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मन नहीं मारेंगे तो यहाँ नहीं टिक पाएंगे पटना। हम समस्तीपुर से आए हैं। आप बताइए कैसे मैनेज करते हैं, आपके दोस्त तो परेशान। जी सेम कहानी है हम स्टूडेंट लोग का, महंगाई के कारण खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पैसा भी लिमिटेड घर से मिलता है। मूवी देखने का बहुत बार मन करता होगा कि भाई देखो बाहर से कोई भी पढ़ने आता है, मूवी तो देखने का मन करता होगा ना भाई, सच बोलिएगा। जब युवक है तो मूवी देखना तो स्वाभाविक है, मन करेगा ही। स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे आसान तरीका तो कैसे करते हैं हर चीज़, कैसे मैनेज करते हैं भैया? ये जो है ना हम लोग फ़ोन पे देखते हैं, हॉल में जो दुकान पे जाके डाउनलोड वाला हो जाता है। हाँ या तो टेलीग्राम से देख लेते हैं, हॉल में तो जा नहीं सकते हम लोग समझे, इसलिए पढ़ने वाले सब हैं। देखिए पढ़ने वाला सब होता है, यंगस्टर्स का मन होता है। लड़की दोस्त आप लोग की है कि नहीं है? अरे भैया अपना पेट भरता नहीं है, उसका कहाँ से उसका खर्च नहीं चलता है। अपना तो मतलब ये चौमिंग देख के मुँह घुमाना पड़ता है, उसको लड़की देख के भी मुँह घुमाना पड़ता है, स्वाभाविक घुमाना ही पड़ेगा ना, स्वाभाविक घुमाना ही पड़ेगा। जब चौमिंग का अगर हम नहीं चौमिंग के लेकर अगर मुँह नहीं घुमा सकते हैं तो उसको हैंडल करने में क्या दिक्कत है? नहीं कर पाएंगे। लड़की हैंडल करने के लिए पैसा चाहिए सबसे बड़ी बात है। लड़की हैंडल करने के लिए पैसा चाहिए, अभी ऐसा ही होगा समझे, बिना पैसे के हैंडल नहीं होगी, पैसा के नहीं होगी भाई, क्योंकि भी अच्छी होती है मुझे लग रहा है। अरे होती होगी बहुत कम, 5% 1-2%। रूम से बाहर आते तो एस्टिमेट करके आते, यहाँ पे इतना पैसा खर्च होगा, यहाँ पे इतना होगा, इस तरह से। अभी जो है ऑटो का किराया बढ़ गया है, दर्द बहुत है स्टूडेंट को। हाँ दर्द तो वन वे में बोलिए तो दर्द बहुत है। अभी जैसे कि अगर हल्का दूरी भी जैसे जाएंगे घूमने के लिए साथ में तो ऑटो का किराया बढ़ गया, डीजल पेट्रोल के बढ़ने के कारण। पहले जहाँ पाँच रुपया रहेगी साथ में तो 10 रुपया लगेगा, डबल हो जाएगा ना, A to Z डबल हो रहा है। जैसे हम अगर सिंगल कुछ में खर्च कर रहे हैं तो उसके साथ में तो डबल। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बताइएगा, दोस्त को देने में थोड़ा ठीक भी लगता है वो, थोड़ा वापस हो जाएगा या नेक्स्ट टाइम कर सकता है ना, उसका तो मतलब जा रहा है तो जा रहा है, रिटर्न पॉलिसी उसमें नहीं है। रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं? नहीं सर, महंगाई इतना बढ़ गया है कि मन मारना पड़ता है, लड़की से भी दूर रहना। हाँ भैया एकदम परेशानी बहुत है। ये आप स्टूडेंट हैं? जी हाँ। कैसे मैनेज करते हैं इस महंगाई में हर चीज़? बहुत ज़्यादा महंगाई में मैनेज करके चलना पड़ता है। सरकार तो सरकार पढ़े लिखे होकर भी पढ़े लिखे समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या हमारे प्रधान माँ बाप के साथ रहते हैं रेंट पे, अपना फैमिली जी, तो कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि घूमना हो गया, यंगस्टर में हर चीज़ आता है, पढ़ना हो गया, घूमना हो गया, दोस्तों के साथ फिरना हो गया, मूवी देखना हो गया, कैसे मैनेज करते हैं?
मैनेज क्या करते हैं सर? जॉब भी करते हैं ना, पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है? जी जी, मतलब पढ़ाई तो पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है ताकि अच्छे से रह पाए। जी, और बहुत यंगस्टर्स हैं, लड़की दोस्त होगी कि नहीं है? मुस्कान बता रही है कि है। जी है, है, है। कैसे मैनेज करते हैं? खुद मैनेज नहीं हो रहा आपका? खुद से नहीं हो रहा, लेकिन इसीलिए तो थोड़ा बहुत जॉब पकड़े हुए हैं। जॉब पकड़े हुए हैं कि अपना तो खुद करेंगे, उसका भी कर देंगे क्या? अगर गलत नहीं है हम तो। हाँ, मतलब कि हो जाता है, मतलब कि जॉब करना पड़ता है। देखिए, सही लाइन से रहिएगा तो भैया आप सही तरीके से चलने। आजकल मतलब ये क्यों कहते हैं, यंगस्टर्स का यही शिकायत रहता है कि भाई कि लड़की अगर रहेगी पास में तो पैसा नहीं बचेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, खुद में बचता है ना पैसा, बचता है। मतलब ज़्यादा खर्च नहीं करवाती? खर्च की क्या बात है, उतना दूरी बना कर रखिए ना, तो दूरी आप नहीं बनाइए तो खर्च में ही पता चला इधर से आप अल्लाह है उधर जाके उड़ा दिए। दूरी थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपके वाली उड़ाती नहीं ना ज़्यादा। तो एज क्या होगा आपका? 26। तो इस महंगाई में आप हर चीज़ कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए सबसे भारी काम ये हो रहा है कि भाई इतना पैसा आया तो हर चीज़ कैसे देखें, और मन भी बहुत चीज़ करता है करने का, कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज इधर का उधर करके ही करना पड़ता है। ऐसे तो इनकम ऑफ़सोर्स है नहीं, या ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है ऐसा यंगस्टर के लिए, ताकि गवर्नमेंट कुछ, मतलब यंगस्टर कुछ कर सके। बहुत बहुत स्टूडेंट मिले थे हमें, वो कह रहे थे कि जैसे कि वो लोग रूम में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं वो लोग, और कि चाउमीन भी दिखे तो भाई मुंह फेरना पड़ता है कि ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए। ऐसा हाँ, होता है, वो होता है। एक मतलब घर से जो होता है कि जो फादर होते हैं, जो हम लोग के नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के जो फादर होते हैं, वो इतना ही कमा पाते हैं कि जितना उनका घर ही चल सके, और उस घर से कटौती करके एक बच्चे को बाहर भेज के पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बच्चा को भी समय से पहले जो है ना, समय से पहले अगर जॉब कर ले तो हाँ, समय से पहले, हाँ। पहले बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है, ताकि हर छोटी छोटी चीज़ को कटौती करना वो शुरू कर देता है, ताकि उसका दिनचर्या चल सके अच्छे से। मैनेज करते हैं इस महंगाई में जीना, खाना, घूमना। हाल हो गया है, समझे? बेहाल हो गया है। हाँ, क्यों? आप देख नहीं रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, ना कहीं नौकरी का व्यवस्था है, ना रोजगार का कोई। आप माँ बाप के साथ रहते हैं? अकेले बैचलर रहते हैं। तो रेंट भी देना होता होगा? बिल्कुल देना होता है। कैसे रहते हैं, मतलब कैसे जीते हैं? बस जी रहे हैं किसी प्रकार। किसी प्रकार जी रहे हैं जी। तो मूवी देखने का मन करता होगा, खाने का मन करता है? मूवी कहाँ से देखेंगे हम लोग? क्यों देखने रहे हैं? सेकेंड हैंड बुक खरीद रहे हैं, मूवी देखने के लिए पैसा है? मान लीजिए इस एज में तो लोग लड़की घुमाते हैं। नहीं है भैया, कुछ नहीं है, लड़की नहीं घुमाते। कहाँ से घुमाएंगे हम लोग? क्यों? अब क्यों का क्या जवाब दें आपको? जिंदगी अपनी चल रहा है किसी प्रकार, बस जिंदगी अपना चल रहा है भाई। बहुत 19 में फॉर्म भरिए, 22 तक कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। देखे ना NTPC का एग्जाम जी, कितना आंदोलन हुआ। आपका ये कहना है कि अपना चलता ही नहीं, दूसरे का क्या चला है? तब वही कहना है, दिक्कत बहुत है। बहुत दिक्कत है। आप बताइए, आपका एज क्या है? मेरा एज 22 है। कैसे जीते हैं इस महंगाई में? स्टूडेंट है? हाँ सर। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम करते हैं बैंकिंग की तैयारी करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग के लिए बहुत दिक्कत है सर। सेकंड हैंड बुक खरीदने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि कोई भी बुक लीजिए तो उसका इतना महंग बुक। सेकंड हैंड बुक चलिए तो ये तो पढ़ाई में हर लोग चाहते हैं कि थोड़ा दिन पढ़ा फिर हटा दिया। हाँ सर। खाना पीना रहना कैसे करते हैं मैनेज? खुद से करते हैं सर। 10x10 का रूम है, दूसरे जिला से आए हुए हैं, वहाँ पे सुविधा नहीं है, इसलिए पटना। आपसे पैसे मांगते होंगे तो वो दे देते हैं या सुनाते हैं? नहीं, वो तो देना मजबूरी हो जाता है उन लोगों के लिए, उन लोगों के, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी जाके ना। मूवी देखने का मन नहीं करता? खाने का वो सब दुनिया से, ये सब हम लोग मूवी वूवी नहीं देखते हैं। पैसा कहाँ है उतना जो मूवी देखें या इस सब के लिए? यंगस्टर्स हैं, लड़की दोस्त है? नहीं सर, वो सब उसे पैसा कहाँ है, जिसके पास पैसा। ये सब क्यों कहता है? जब मैं लड़की की बात पूछता तो लोग बोलते हैं पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। बिना पैसा का कुछ आज तक हुआ होता ही नहीं है सर। बिना पैसा के लड़की दोस्त नहीं बनती है? बनती है, एकदम बनती है। आप यंगस्टर, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई? अभी 10th क्लास का एग्जाम दिया। 10th क्लास का? हाँ। माँ बाप के साथ रहते हैं? अकेले? नहीं, माँ बाप के साथ रहते हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप? सबको लेना लेकर चलना पड़ता है भैया। कैसे? सब 10th क्लास में ज़्यादा खर्च तो करते नहीं होंगे? नहीं, ज़्यादा नहीं खर्च होता है। मूवी देखते हैं? हाँ देखते हैं। बाहर खाते हैं पिज्ज़ा बर्गर? खाते हैं एकदम। लड़की घुमाते हैं? काहे नहीं घुमाएंगे लड़की? घुमाते हैं? काहे नहीं घुमाएंगे? महंगाई इतना कह रहे हैं भैया कि महंगाई इतना एक नहीं घुमा पाते। ठीक है, ये जो है हम कर रहे हैं। पहले जो आदमी हो सकता है आपके माँ बाप दे रहे होंगे, आप अभी बच्चे? हाँ बच्चे तो हैं, अभी बच्चे में घुमा रहे हैं। काहे नहीं घुमाएंगे भैया? ये बेचारे भाई के लिए क्या कहेंगे, ये तो चलिए पढ़ने आए हैं। आप भी कभी पढ़ने जाएंगे बाहर तब कैसे जिएंगे? वो तो लेकर चलना पड़ेगा भैया। कैसे बाहर अगर जाएंगे पढ़ने के लिए? और ये जो आपका है लड़की घुमाने वाला आदत, वो भी जाएगा तो वहाँ पे कैसे मैनेज करिए? उसको बंद कर देंगे।
पैसा नहीं रहेगा तो बंद कर दीजिएगा। हाँ क्यों क्यों, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो लड़की कहाँ से घुमाएंगे? सब लोग यही कहता है, मतलब पैसा है तभी लड़की है। जी हाँ। कितना खर्च कर देते हैं लड़की पे? सच बोलिएगा, फेंकना नहीं है। सबसे पहली नंबर तो हम क्या कहें, आप ही बोले ना शुरुआत में कि हाँ घुमा। देखिए ज्यादा खर्च नहीं करवाती है, नहीं। हाँ अच्छी लड़की है। क्या क्या खर्च करवाती है? वीजा साथ खाते हैं कि नहीं? हाँ कभी कदार हो जाता है। ठीक है, दिन याद आ रहा है आपको दसवा वाला? देखिए सर, सबसे बड़ी बात होती है आपके पास साधन है कि नहीं है। जिसके पास साधन है तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास यदि पैसा है तो पटना ऐसे शहर में बहुत सारा जगह है जो आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए बहुत अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम एक बुक खरीदने के लिए आए हैं, वो लगभग 1000 का बुक है, और उसका हम सेकंड कॉपी खरीदने के लिए आए, वो 200-300 रुपये में मिल जा रहे हैं। कितना खर्च कर देते हैं महीना में? क्योंकि सर देखिए, बुक वगैरह खरीदने में 500-1000 रुपये, तो आप तो ऑनलाइन आ गया है, सब कुछ तो सुविधा हो गई है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फिजिकल खरीदनी पड़ती है, जैसे नोट्स वगैरह हो गए, तो लगभग जो है हम लोग को रूम रेंट वगैरह छोड़ के रूम रेंट 1200-1500 रुपये पड़ जाता है, उसके अलावा खाना पीना में 1500-1600 तक पड़ जाता है। तो बहुत मुश्किल है पटना में रहना। हाँ सर बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है कि यदि आप घर से तैयारी करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो अच्छा है घर के से, क्योंकि खाना भी बनाना पड़ता है यहाँ पे। मानते हैं बात? क्या चीज़? आप क्या करते हैं? हम 12th का एग्ज़ाम दिए हैं अभी। हम अकेले रहते हैं, माँ बाप के साथ अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। रूम रेंट देके? रूम रेंट। कैसे मैनेज कर? महंगाई है तो अब महंगाई क्या कीजिएगा, सरकार को सोचना चाहिए ना महंगाई के बारे में। हम लोग सोच के क्या करेंगे, ऐसे जनता तो मरवे करेंगी महंगाई से, सरकार को सोचना चाहिए ना ये बात। तो चलिए, जब हम निकले सड़क पर पूछने के लिए यंगस्टर्स से कि महंगाई में आप कैसे मैनेज करते हैं हर चीज़, पढ़ाई लिखाई खाना पीना हर चीज़, और क्या करते हैं, बचाते कितना है, खाते क्या क्या हैं, मन कितना मारना पड़ता है, सब चीज़ आपने सुनी लिया कि यंगस्टर्स यानी लड़कों का क्या कहना था कि किस तरह से वो ज़िंदगी से लड़ रहे हैं एक तरफ से, क्योंकि जिसको दिक्कत है उसका तो आपने देख ही लिया। तो बस अब देखना यह है कि ये महंगाई हटती कब है। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं अनुकूल तिवारी।